आज मैं बनाई हूँ सहजन आलू की सब्जी। मैं सारे मास्क धो दिए हैं। ये 2.5 kg का है, 2.5 kg से थोड़ा सा कम है। इसमें लेमन का रस डाल देंगे। मुझे डोसा इडली बहुत पसंद है और तुम्हारा उसमें डालना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं बनाया था, डायरेक्ट मैं खाना बनाई हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ सहजन आलू की सब्जी और चावल, दाल, शैलेट और यह है कटहल की अचार, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सहजन उतना हमको पसंद नहीं है, लेकिन पता है आपको सहजन बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जब सहजन का सीज़न हो तो आप लोग भी ज़रूर खाइए, जैसे मैं खा रही हूँ। और पता नहीं कैसा बना हुआ, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले मैं सहजन को टेस्ट करती हूँ। वो समझ में ही नहीं आता था ना कि इसको खाना कैसे है। मैं हमेशा नहाने के बाद कपड़ा डालना भूल जाती हूँ, तो सबसे पहले कपड़ा डाल देते। बहुत धूप है। मैं सारे मास्क धो दिए हैं। ज़रूरी है, अगर आप मास्क यूज़ करते हो तो इसको हमेशा साफ भी करते रहिए। अभी चल रहा है अप्रैल और इतना गर्मी है, अभी तो मई जून आना बाकी है। पता है आपको, खाना खाने से 15 मिनट पहले मैं ये सारे कपड़े छत पे डालकर आई थी और अभी दम सूख के गर्मा गर्म हो गए। लग रहा है कि किसी ने आयरन कर दिया, इतना जल्दी कपड़े सूख गए हैं। और आज तो मैं पूरा धोबी घाट निकाल के रखी थी, देखिए कितने सारे कपड़े धुले। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत दिन से हम कपड़ा धुले ही नहीं थे। एक दिन जब हम रजरप्पा गए थे ना, तब का सब कपड़ा, सब देखिए अभी ये पीला वाला सूट पहन के गए थे, सब वैसे ही पड़ा हुआ था। तो आज फाइनली सारे कपड़े धुल गए हैं। मेरे लिए सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है इसको अच्छे से रखना। ये देखिए तरबूज, वाटरमेलन हम रात में ही लेकर आए थे और मेरे पास तो फ्रीज है नहीं, तो ये मोटर का पानी बिल्कुल ठंडा चल रहा था तो इसी में डुबा के रख दिया और अभी फिलहाल दम ठंडा हुआ हुआ है। ये 2.5 kg का है, 2.5 kg से थोड़ा सा कम है, 100-200 ग्राम। तो इसको काटा जाए। यार कट भी नहीं रहा है, कट गया। मुझे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर फ्रीज वाला हो तो और मज़ा आ जाता है ठंडा ठंडा खाने में, लेकिन इसको भी हम पूरा ठंडा कर दिए हैं पानी में डालकर। ये देखो वाटरमेलन। तो इस तरीके से सबसे पहले इसका टुकड़ा सब निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका जूस बनाएंगे। पहले खा कर देखते हैं कितना मीठा है। बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। ये खरबूज को हम निकाल लिए हैं, इसका बीज भी निकाल लिए हैं। इसको हम लोग मिक्सी में डाल देंगे। और आपको अगर चीनी डालना है तो चीनी भी डाल सकते हैं, बट हम नहीं डाल रहे हैं। ऐसे मेरा फेवरेट मिंट फ्लेवर, हमको हर चीज़ में मिंट फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब करना क्या है, मिंट का पत्ता को डालकर इसको हम लोग मिक्सर में चला लेंगे। हम लोग इसको छान लेंगे। वाओ, मिंट की खुशबू, आई लव। अगर आपके पास आइस क्यूब हो तो पहले आइस क्यूब डाल दें, मेरे पास नहीं है। ऑलरेडी मेरा तरबूज दम हम पानी में इसको डालकर ठंडा कर दिए और ये हो गया। उसके बाद इसमें कुछ खरबूजे डाल देंगे, सॉरी तरबूज, तरबूज और खरबूज में मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसमें लेमन का रस डाल देंगे। तो ये मेरा बन गया है वाटरमेलन जूस। दम रिफ्रेश करने वाला ये जूस है।
और पता है आपको, आप इसमें स्प्राइट मिला सकते हैं या सोडा मिला सकते हैं, और पूरा आइस क्यूब डालकर पूरा एकदम मोजिटो टाइप्स हो जाएगा। हम कभी घर पे जाएंगे ना तो वहाँ पे फ्रीज है, आइस क्यूब है, तो हम सबको बना के पिलाएंगे। ये काफ़ी मज़ेदार और बहुत रिफ्रेश वाला ड्रिंक है। पीने से मन नहीं भरा तभी खा रही हूँ मैं, बहुत मीठा। और एक और आप लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके रूम में फ्रिज नहीं है, वो क्या कीजिए कि वाटरमेलन एक एक छोटा हो या बड़ा हो, जिस हिसाब से आपको बर्तन में एडजस्ट हो जाए या बाल्टी कुछ में भी, ठंडा पानी में उसको रात भर छोड़ दीजिए। देखिए अभी भी बिल्कुल ठंडा है। मस्त आइडिया है ना। मुझे ना साउथ इंडियन डिश बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने करी पत्ता का पेड़ लगाया है, लेकिन ये जड़ से नहीं लगाई हूँ, तो 2 दिन पहले लगाया, अभी तक तो सूखा नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि फटाफट बड़ा हो जाए। देखो हल्का सा थोड़ा सा, बस जल्दी से तुम बड़े हो जाओ। मुझे डोसा इडली बहुत पसंद है और तुम्हारा उसमें डलना बहुत ज़रूरी है। और मैं नीचे आई और सो गई, और अभी मैं उठ गई हूँ और जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट। कुछ लेना भी है और ना भी लेना हो तो थोड़ा सा मार्केट चल जाना चाहिए, थोड़ा सा रिफ्रेश फील होता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा जाम है और मेरा दोनों हाथ भी भर चुका है पूरे सामान से, तो मैं अब कैमरा नहीं पकड़ पा रही हूँ। तो अब चलते हैं फटाफट। सोचो हम 2.5 kg आलू लिए हैं, 2.5 kg में मेरा हाथ पूरा फुल हो चुका है। क्या बताऊँ आपको, जब से मैं मार्केट में ही एक्चुअली मैं दिमाग ख़राब हो गया था। मेरे पास एक छोटा वाला पर्स है, उसमें मैंने पैसा तो नहीं रखा था, बस सिर्फ मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड और ATM सब उसी में था। और उतने दिन से ना मैं साइड बैग का यूज़ कर रही थी, उसमें पैसा ही नहीं रखी थी, और अचानक आज ATM का ज़रूरत पड़ा घर से आई, तो उसके बाद वो पर्स मिल ही नहीं रहा था। मेरा तो मतलब दिमाग ख़राब हो गया था। मम्मी को, चुलबुल को, सबको कॉल किया कि घर पे देखो पर्स है कि नहीं। पता नहीं लोग कैसे देख रही थी, लोगों को पर्स नहीं मिला था, बट हम कन्फर्म थे कि मेरा पर्स घर पे ही है, क्योंकि हम उसका यूज़ ही नहीं किए थे, ये हम 100% श्योर थे। उसके बाद फिर एक दो बार तो मम्मी बोली पूरा हम घर कल झा रहे हैं, नहीं मिला वगैरह वगैरह। फिर हम बोले एक बार तुम एक बार अच्छे से गोदरेज में देखो, तो फाइनली मेरा पर्स मिल गया है। अब हम रिलैक्स हो गए हैं और हम यही लेने गए थे मुल्तानी मिट्टी। तो हम तो वो ढेला ढेला जो होता है ना चौक के तरह, वो वाला ढूंढ रहे थे बस, लेकिन वो मिला नहीं, तो ये पाउडर टाइप का मिला है। देखो ना यार, कब मेरा पिंपल्स ख़त्म होगा, हम बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गए हैं। तो बहुत लोग बोले हैं कि मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करो नींबू या गुलाब जल के साथ, तो अभी तो मैं नहीं लगाऊंगी इसको, कल मॉर्निंग में लगाऊंगी। 8:30-9 बजने जा रहा है और अभी तक हम खाना नहीं बनाया, तो फटाफट पहले हम खाना बना लेते हैं। हम नीला आलू बना लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगा हुआ है, और ये मिर्चा डांस कर रहा है। तो ये मैं आलू जीरा बना ली हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये दोपहर की दाल बची हुई थी तो वो भी मैंने ले लिया है, और कद्दू की भुजिया, थोड़ा सा कद्दू बचा हुआ था जो मैंने सांभर बनाया था ना, कल मैं सांभर बनाई थी तो उसका कद्दू बचा हुआ था, तो मैंने भुजिया भी भूज दिया, और ये सैलेड बना ली हूँ। और अभी बहुत तेज का भूख लग गया, पर्स मिल गया ना तो उस टाइम टेंशन में था तो भूख नहीं लग रहा था, अभी पर्स की मिलने की खुशी में मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। दवा डाल के थोड़ा सा लेट जाती हूँ क्योंकि साइड से गिरने लगता है। तो हम अपना नाइट रूटीन भी कर लिए, मतलब फेस वॉश लगा करके मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं, फेस सही रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मेरा फेस ऑयली भी है, ड्राई भी है, दोनों मिक्स है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।